हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं ऋषभ लाला, वो हमारे ये टैंगो टिंगल के बहुत बड़े फैन हैं, हमेशा मैसेज करते रहते हैं, बहुत क्रेजी हैं इनके लिए। तो उनसे मेरी मैसेज में बात होती रहती है, वो इंस्टा पर भी हैं, मेरे एफबी फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप स्ट्रीट डॉग के ऊपर, आप यूट्यूब पे हैं, आपके वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप स्ट्रीट डॉग के ऊपर क्यों नहीं बोलती हैं कभी। तो मुझे भी उनकी ये चीज़ बहुत जेन्यून लगी फ्रेंड्स। एक्चुअल में क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक सेंट बर्नार्ड था और वो कुछ टाइम के बाद वो चला गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर पेट नहीं रखा, काफ़ी दुख हुआ उनको, और वो स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत कुछ करते। तो वो चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर करी कि अब उनको यही अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फील करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं काफ़ी तरीके से। और उन्होंने मेरे को बोला कि ये चीज़ को आप और भी आगे बढ़ाइए। और ये हम एक्चुअली फ्रेंड्स, ये होता है कि हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जब तक हमारे पाप ग्रह शुभ फल नहीं देते, हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब हमारे पाप ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि। तो क्या होता है कि ये जो पाप ग्रह होते हैं ना, ये कैसे शुभ फल देते हैं? जब हम मजबूरों की, दुखी लोगों की, जानवरों की सेवा करते हैं। जो हमारा केतु प्लैनेट होता है, वो हमारे विशेष पूरे करने के लिए होता है। तो ये केतु कैसे अच्छा होगा? हमारा केतु शुभ फल कैसे देगा? जब हम जानवरों की सेवा, स्पेशली जब हम डॉग की सेवा करते हैं, तो हमारा केतु अच्छा होता है। आप खुद ही देख लीजिए और उसके बाद हमें शुभ फल मिलने लगते हैं। तो ये जो डॉग की सेवा मतलब क्या, हमने अपने घर में पेट्स रख लिए और उनको हम बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बात क्यों नहीं बन रही? तो जब हमने अपने घर में रख लिए, उनका हमें उतना फल नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए हम करेंगे तो वो हमको बहुत ज़्यादा उसका फल मिलेगा। स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जब हम करते हैं, आप खुद ही आजमा के देख लीजिए कैसे आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ ए सडन ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मनी वाइज हेल्प करें, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों से जुड़ें, मगर आप इतना कर सकते हैं। जैसे सैटरडे है, सैटरडे को आप बना लीजिए कि एक पेडिग्री का, 5 kg का, 2 kg का कोई सा भी एक पैक ले लीजिए और वो स्ट्रीट डॉग्स को, एक प्लास्टिक कंटेनर ले लीजिए, स्ट्रीट डॉग्स को रख के आ जाइए। आप देखिए कैसे आपके जो लोग जॉब के लिए परेशान होते हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, वो कैसे जल्दी से सॉल्व होने लगती हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि किसी भी रिजल्ट के लिए मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है। जब वो खाएंगे ना और उनके अंदर से उनकी जो भूख मिटेगी, तो जो दुआएं निकलेंगी ना, वो आपको कितनी लगेंगी आप खुद ही देखिएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। और अभी मैं ये चीज़ इसलिए इतनी ज़्यादा सिस्ट करके बोल रही हूँ कि अभी जैसे गर्मी आएंगी, गर्मियों में क्या होता है, डॉग्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो वो, उनको गर्मी चढ़ जाती है, पागल हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है, मर जाता है। तो स्पेशली गर्मी में हमें उनका ध्यान रखना ही है। अच्छा, कुछ लोग देते हैं उनको खाना, लेकिन क्या होता है, वो खाना उनके लिए अच्छा नहीं है। मीन्स जो घर के बचे हुए सब्जी, दाल, चावल, रोटी होते हैं, वो उनके लिए, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम, उनके लिवर के लिए अच्छा नहीं है स्पाइसी फूड। तो इसीलिए अगर हम उनको डॉग फूड दें, और वो भी हम सस्ता वाला डॉग फूड ही ले लें और वो दें, तो कितना ही अच्छा होगा फ्रेंड्स। और हमको खुद को बहुत अच्छा, ठीक है रिजल्ट्स तो जो आएंगे वो बाद में आएंगे, हमको खुद को बहुत अच्छा लगता है। आप करके तो देखिए एक बार, मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल सकती। आई एम रियली अ बिजी पर्सन एंड बट फॉर दिस आई एम ऑलवेज रेडी। मैं तो करूँगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बच्चे, मेरे दोनों बच्चे भी यही कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं। तो मेरी डॉटर का इतने जल्दी मेडिकल में वो चली गई थी, नाउ शी इज़ अ डॉक्टर इन आर्मी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी दुआएं लगती हैं। तो उनको भी कभी बात करो ना, तो वो बोलते कि वो स्ट्रीट डॉग को बिस्किट्स लेके ना, डॉग बिस्किट्स लेके खिला रहे हैं, इस टाइप से कभी बात होती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है
कि वो जिंदगी में मतलब एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप अपने लेवल पे जैसे भी करना चाहें बट डू दिस, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड प्लीज। और कभी हुआ तो हम लोग आगे भी इस चीज़ को और बड़ा करके करेंगे, पर अभी तो मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम शुरू कर दें पानी और खाना इनको प्रोवाइड करना जिस भी तरीके से आप चाहें। और स्पेशली मतलब खाना मीन्स डॉग फूड, बिकॉज डॉग फूड ही डॉग के लिए अच्छा होता है। तो ये हम करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और उनके लिए तो अच्छा है ही। तो बाय फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए।